मेरा नाम नोमान अली है, मेरी तालीम ग्रेजुएशन है और मैं कुल्फी सेल करने का काम करता हूँ। ये जो मैंने आपको बताया, ये मैं हमारा रिंगटोन, ये मैंने तो आपको सिंधी में बताया है, मगर इसका ये उर्दू में है वो भी मैं बताऊंगा। खोए वाली कुल्फी खानी है तो खोए वाली खाओ वरना कभी नहीं खाओ। ये हम आपको उर्दू में भी बताएं और सिंधी में भी बताएं बताया है। और इसके बाद ये जब हम चलाते हैं तो हम जहाँ पर खड़े होते हैं, ये रिंगटोन बच्चे सुनकर, बड़े सुनकर, गली मोहल्ले वाले सारे निकल कर आते हैं, भाई कुल्फी वाला आ गया, आप कुल्फी हमें दो। ये मेरा असल में कुल्फी खपाने का शौक़ नहीं, ये मेरे काम मेरे अबू भी करते थे, इसकी वजह से मैं भी इस फील्ड में आ चुका हूँ। इस फील्ड में मेरे को आने को 10 साल हो गए हैं और मेरे अबू को 30-35 साल हो गए हैं, यही काम करते आ रहे हैं। मेरी ग्रेजुएशन है और ये सिंध में यहाँ पर मेरिट सिस्टम नहीं है, नौकरियों नहीं मिलती है, इसकी वजह से मैंने ये अपने अबू के साथ यही काम करना शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये काम करते आ रहे हैं। ये मैं काम अकेला नहीं करता हूँ, मेरे साथ जो है मेरी फैमिली है वो काम करते हैं, हम मिलकर काम करते हैं। किसी के कोई मेरी अम्मी है वो लकड़ियाँ बनाती हैं, मैं दूध पकाता हूँ, मेरे अबू जो है बर्फ़ लेकर आता है, सारे मिलकर बना कर काम करते हैं। जी दिन में हम कभी 800 कभी 900 कभी 1000 फ़ायदा होता है। और ये इसमें एक नहीं है तारीख मुकर्रर की अभी 800 बनेगा, नहीं, ये कभी ज़्यादा सेल होती है तो हमें फ़ायदा अच्छा मिलता है, अगर कम होगी तो वो भी हमें कम मुनाफा मिलेगा। असल में कुल्फी जो चलने की सीज़न है ना वो स्टार्ट में होती है, उसमें लोग बच्चे जब नई कुल्फी स्टार्ट करते हैं, हम उस उनमें से उस दिनों में हमारी सेल भी अच्छी होती है और रोज़ी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी होती है। जब कुल्फी पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे दिसंबर जनवरी आता है महीना, फरवरी के बाद में हम इसको स्टार्ट करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो बच्चे शौक से खाते हैं, भाई कुल्फी आ गई कुल्फी आ गई, बड़े भी लोग शौक से ही खाते हैं इन दौरान, और शादियों में अक्सर करे हमारी कुल्फी ज़्यादा चलती है। जी बिल्कुल, सर्दियों में तो हम कुल्फी बिल्कुल नहीं चलती है, वो सर्दियों में हम अपने घर में एक छोटी मशीन पड़ी है, उसको उसका इंग्लिश में कहते हैं कॉटन कैंडी मशीन, और ये सर्दियों में ये हम उसको यहाँ पर सेल करते हैं, जिसे हम लशा कहते हैं उर्दू में, सिंधी में तो हम सारे बच्चे जो पशम दो पशम दो, उस पशम के हम खिलौना बना के देते हैं लोगों को, बच्चे ऐसे खुश हो जाते हैं। उसमें खिलौने में एक जहाज़ बना के देता हूँ, कप चाय और कप जो है वो बना देता हूँ, और उसके अलावा जहाज़ बना देता हूँ, चिड़िया बना के देता हूँ। कुल्फी बनाने के लिए हमें सबसे पहले दूध लाना होता है, उसके बाद में हम उनको दूध को आधा किलाक पकाते हैं उबालने के तक, उसके बाद उसमें ऐड करते हैं चीनी ऐड करते हैं, उनके छोटे इलायची हैं वो भी इसमें ऐड करते हैं, उनको उबालने के बाद कम से कम 20-15 मिनट पकता है, उनके बाद में उसमें खोया ऐड करते हैं, उनके बाद फिर वो 30-35 मिनट पकाते हैं, टोटल मतलब एक घंटे और 20 मिनट में वो कुल्फी का जो मलाई होती है वो तैयार हो जाती है। जी सर, जब हमारी कुल्फी रेडी होती है और मैं जब सेल के लिए निकलता हूँ तो ये हमारी एक टोन है जो मैंने खुद बनाई है, और उसकी टोन को मैं आपको सुना कर देता हूँ, पहले हम सिंधी में आपको सुनाएंगे और उसके बाद हम उर्दू में आपको बताएंगे। हे माओ हे डह रुपया वीह रुपया टीह रुपया कुल्फी माए जी
कुल्फी खा त माए जी खा न त असली न खा हे माओ हे ॾह रुपया वीह रुपया टीह रुपया कुल्फी माए जी कुल्फी खाए दे त माए जी खाए दे न त असली न खाए दे। ये जो मैंने आपको बताया ये मैं हमारा रिंग टोन ये मैंने तो आपको सिंधी में बताया है मगर इसका ये उर्दू में है वो भी मैं बताऊँगा। खोए वाली कुल्फी खानी है तो खोए वाली खाओ वरना कभी नहीं खाओ। ये हम आपको उर्दू में भी बताएं और सिंधी में भी बताएं बताया है। और इसके बाद ये जब हम चलाते हैं तो हम जहाँ पर खड़े होते हैं ये रिंगटोन बच्चे सुनकर बड़े सुनकर गली मोहल्ले वाले सारे निकल कर आते हैं भाई कुल्फी वाला आ गया आप कुल्फी हमें दो। ये हम पहले हम जो कुल्फी सेल करते थे तो हम अपने ज़बानी वॉइस से सेल का आवाज़ देते थे। मैंने सोचा इसमें तो सेल तो कम होती है सेल कम होती है इसके इसलिए मैंने अब ये सोचा कि यार कुछ तो करना होगा जो हमारी सेल भी बढ़े और लोगों भी को अट्रैक्शन भी करें वो इसलिए मैंने ये वॉइस रिकॉर्डिंग की। उसके बाद मैंने एक क्लाउड खरीद लिया है उसमें हम चलाते हैं वो ये इसका आवाज़ जो है ना दूर तक जाता है गली मोहल्ले वाले चौराहों पर भी होते हैं रश लग जाती है इसका आवाज़ सुनकर लोग हमसे आते हैं कुल्फी खरीद लेते हैं। जी हाँ मुझे शौक़ तो असल में सिंध पुलिस है बचपन से ही है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई को भी मिल गई है पुलिस में मेरिट पे उनको मिली है अभी तो मेरा भी शौक़ है कि मुझे भी मिल जाए पुलिस की जॉब तो मैं करूँगा और मैं पुलिस वालों को देखूँगा देखता हूँ और मैं अपने भाई को देखा जब वर्दी पहनते हैं तो मेरी दिल कहती यार ये मैं भी इसके साथ ये वर्दी पहन लूँ एक दूसरे की अच्छे लगते हैं इसलिए मेरा शौक़ है कि पुलिस में ही मेरा काम। जी हाँ बिल्कुल जब हम गली में आते हैं हमारा जो टाइम है मुकर्रर रहता है तो उस में जब भी मैं गली में आता हूँ तो कभी कभी के ऐसे लोग होते हैं वो डांटते हैं यार आप रोज़ आते हैं हमारे को बच्चे तंग करते हैं कभी पैसे हैं कभी नहीं हैं इसलिए हमारे को डांट मिलती है तो मैं हम अपने लिए दिल में नहीं कहते वो मैं हमारा रोज़गार है लोग ऐसे बुरा बुरा करते हैं हम उनको जवाब नहीं देते हैं वे अपना काम करते हैं। जी हम ये कुल्फी जो काम है ये मेरा अपना ही काम है मैं शौक़ से नहीं करता हूँ हमारी रोज़ी है तो मैं इसको करता हूँ लेकिन इसमें हमारा फ्यूचर नहीं है इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे को जॉब मिल जाए और ये मैं खुद का करता हूँ क्योंकि इसमें किसका गुलाम नहीं हूँ तो नहीं ऐसे काम करो ये खुद बनाता हूँ खुद चलाता हूँ कभी जाऊँ कभी नहीं जाऊँ अपनी है तो इसलिए मैं अभी ये करता हूँ। जी मैंने अभी शादी नहीं की है बल्कि हमारी जो फैमिली है वो कहते हैं आप शादी करो मेरा शौक है मुझे जब जॉब मिलेगी उनके बाद हम शादी के लिए रेडी हैं। जब हमारी कुल्फी रेडी होती है तो वो सबसे पहले हम एक सैंपल लेते हैं अबू भी खाता है मैं भी खाता हूँ चेक करता हूँ ये फीकी है मीठी है अच्छी बनी नहीं बनी है वैसे तो ये अपनी है एक दो खा ही जाता वैसे हम कहीं घूम जाते हैं लोग कहते हैं यार भाई आप कुल्फी आओ खाओ तो मैंने उनको बोलता यार मैं खुद बनाता हूँ तो मैंने नहीं खानी है वो दोस्त होते हैं ये उन कभी कभी खिलाते हैं वो पूछते हैं या उनको बताते हैं भाई ये भी कुल्फी बनाता है वो एक दूसरे से बात करते हैं वो ऐसे ही खाते हैं। कुल्फी खाने में जो टेस्ट देता है वो उसमें जो छोटे इलायची की होती है ना उसमें जो हम खोया देते हैं आपने वो खाएंगे ना वो आपको ऐसे लगेगा जैसे हमने खोया ही खाया है। ऐसे तो बहुत फ्लेवर है कस्टर्ड भी मिलते हैं कुल्फी में चॉकलेट माल लगता है तो मेरी जो फेवरेट होती है ना वो छोटे इलायची वाली है उसमें अच्छा मज़ा होता है। हुकूमत को हमारे लिए जो हमारे नौजवान लड़के हैं आजकल काफ़ी बेरोज़गारी है उनको रोज़गार नहीं मिलते हैं वो रोज़गार के लिए परेशान है से हम हुकूमत को ये अर्ज़ करते हैं अपील करते हैं कि ऐसे रोज़गार लाएँ जो हमारे नौजवानों को रोज़गार नौकरियों मिले उनको रोज़गार मिले और बेचैनी ख़त्म हो जाए। उनके लिए आए।